महाराज जी यहाँ पर जंगली जानवर और कोई? जंगली जानवर आते यहाँ, अच्छा, हाँ हिरना, शेर, चीता, भालू, रीछ सभी खेल करते सब यहाँ पे आते हैं भी तो भगवान देवता को महाराज जी की। अब्बा हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, सुनात गंगे। इसमें डाल दीजिए, हाँ डाल दो। ये देखिए चकाचक दाल है महाराज जी की, बढ़िया देसी दाल है। हाँ हाँ ज्यादा निकलती नहीं, तो अकेले रहते कि और कोई रहते? अकेले रहते, हाँ अकेले रहते। बहुत अच्छा लगा दिन में आप लोगों का संघर्ष और रात के भगवान का संघर्ष। और कोई समस्या हो तो महाराज जी बताइए। अरे कोई समस्या नहीं, भगवान आपको हनुमान जी चंगा रखे बाबा जी। अरे भैया जी बालकों को प्रसाद परस दो, वो हरिश्चान आप लोग थोड़ी प्रसाद परस दो भैया। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज आप लोग सभी आनंद रहो, चंगा रहो बाबा जी। अरे भगवान कामतानाथ विराजे यहाँ, सबका आशीर्वाद है मालिक का, हनुमान जी का, कामतानाथ का। चकाचक रहो सभी लोग, चकाचक रहो। हमें मालूम नहीं थी, हम जाते रहते साधु महात्माओं के पास सेवा पहुंचाने थोड़ी बहुत, तो हम उस पर यहाँ देखे थे एक दिन। हाँ। तो यार यहाँ पता नहीं कोई रहते कि नहीं रहते। हाँ तो यहाँ पत्थर लगा देता था मैं। अच्छा, गेट जी भक्त लिया एक दिन। अच्छा जी, बैठी आपकी परेशानी। जी जी, तो बोले महाराज जी जैसे चले जाते तो हमने कोई बंदर उजाड़ देता। बिल्कुल, तो बोले हम गेट ले आते, तो कल परसों आ गया था। अब आपकी कृपा से सभी की थोड़ी वो लग जाएगा, यही लोग लगा देंगे। गेट लग गया तो सही नहीं, बंदर अंदर बंदर तो ताला लगा दो आराम से। जितने आप लोग नहीं प्रसाद पाते थे, जितने बंदर पाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम मंदाकिनी नहा रहे तो हनुमान जी भीतर बिल्कुल आपके बिल्कुल पूरे नटखट कर रहे हैं। जी जी, हाँ डब्बा खोल ले आपका। अच्छा, सब चीज का खा ले है और सब कर ले। खाते कम है और आते ज्यादा है, मगर वही में प्यार रहता है कि चलो कोई बात नहीं। जी जी, उनको वैसा ही मिलता है बंदरों को। अच्छा, सवेरे गांव को अभी गंगा आएंगे आपके 4:30 के बाद, सुबह आएंगे 5 बजे। जी, तो उनको वैसे और सेना आएगी अपनी 5 बजे। जी जी, तो उनको पहले दिया जाएगा। जी, और हनुमान जी को बाद में अगरबत्ती लगेगी। अच्छा, पहले सेना को 1 किलो अन्नदान दिया जाएगा यहाँ है तो। अच्छा, और नहीं कुछ है तो हम कह देते जाइए आप, यहाँ कुछ नहीं है है तो उनको थोड़ा उन्हें लिया, क्रॉस की गंगा मैया पानी पिया। जी, फिर शाम के आ गए। तो शाम तक कोई आप लोग जो कुछ दे गए इसी चावल वावल कोई ना कोई आता रहा। हाँ, तो आधे कोई में कोई आता रहता, नहीं तो कोई निश्चय नहीं। क्या तो हफ्तों तक नहीं आए जी लोग, तो हमें लगते हम इनको चीनते भी नहीं जितने आ जाए। सब आपके भक्त है, सब आ जाते। हाँ नहीं जी, भक्त है। अच्छा, भाई इनको चीनते तो सभी लोग आ जाते हैं आपकी कृपा से। जैसे आप दो जने आए तो और आ गए, ऐसा होता। तो आप ही बनाए होंगे सब भोजन पानी? हाँ सभी बनाते रहे बालक। अच्छा, सभी उपके करते रहे। मैंने यहाँ भी दाल उपके कर दी थी, वहाँ भी बालकों ने, और कोई लहसुन प्याज नहीं, बढ़िया लोग ने बाकी सब मिलजुल के सब बना लिया। हाँ सभी ले आए थे वे, सभी आइटम ले आए थे पूरा उन्हीं का जी अभी पड़ा जी आपके पीछे। जी जी, ने सब रच लिया मैं पत्तल से पानी से। जी जी, और उन्हीं ने पा लिया। आप बोले महाराज जी देखो कुटिया हमने किया। जी जी, सब काम तना कभी आ जाते। जी जी, रोज नहीं आते। हाँ, कभी कभी कभी। अब जी ड्राइवर है, गाड़ी है घर की आप लोगों की। जी जी, तो जी कभी महीना 2-4 महीना वाले। हाँ, रोज। हाँ रोज नहीं आते, भगवान की कृपा। चलिए बढ़िया महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। यहाँ पे हमें जानकारी नहीं थी, हम लोगों ने उस पार आश्रम में पूछा। हाँ, तो बताया कि हम महाराज यहाँ पे हैं। चलिए ठीक है, मिल जाते हैं। अरे देवता, अरे हम लोग तो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। ये महाराज जी हम नहीं दे रहे हैं आपको, ये हम नहीं दे रहे हैं आपको। आपके हाथों हो रहा है सब, भगवान तो भेज रहे हैं आपके हाथों। तो ये सब ठाकुर जी पहुंचा रहे हैं, तो हम आप तक सेवा पहुंचा रहे हैं। हम एक माध्यम है सब भगवान वाले, सभी माध्यम है। जी जी, सभी माध्यम है संसार में, एक माध्यम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी सेवा। सभी आपकी सेवा में लगे हुए, सभी माध्यम है भैया जी। काम जी,
और कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चंगा रहो, सभी लोग भगवान कामता ना। कोई जरूरत तो बताइएगा। कोई जरूरत नहीं, सब आनंद रहो आप। महाराज जी, महाराज जी, हाँ हाँ, बालकों को खिलवा रहे, रुक जाओ। तो दोस्तों देखा, महाराज जी, महाराज जी आपने नाम नहीं बताया, नाम क्या? बालकदास महाराज। तो बालकदास महाराज हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और देखिए महाराज जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, और ऐसे आश्रम में देखिए रहते हैं, यहाँ पे लाइट भी नहीं है दोस्तों, और ऐसे ही रात बिताते हैं। देख सकते हैं संतों का जीवन कितना कष्टमय होता है। तो हम लोग जितनी सेवा पहुँचा सकते हैं महाराज तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोग भी महाराज जी कुछ मदद करना चाहें तो हमारे माध्यम से मदद कर सकते हैं, हम महाराज जी तक और भी उनकी सेवा पहुंचा देंगे। तो महाराज जी यहाँ लाइट नहीं है ना? नहीं। अच्छा अच्छा, सौर ऊर्जा भी नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा, तो रात में तो पूरा अंधेरा हो जाता होगा, उजाला का कोई साधन नहीं है ना महाराज जी? ये पांच के बाद सब लोग नहीं रहेंगे, कोई नहीं रह जाए यहाँ पे, आप बस रह जाएंगे। जी महाराज जी, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो। तो आइए चलते हैं बाहर। जय कामतानाथ, जय काम, जय कामतानाथ, जय चित्रकूट धाम, जय मंदाकिनी मैया की, जय चारों धाम की, जय चौरासी भूम की, जावा की, हनुमान की, जय श्री राम। हनुमान जी की आपने स्थापना की ना महाराज? हनुमान जी की गुरु जी ने अपने लाल बाबा ने इस पार हो गए, उन्होंने स्थापना, हाँ जब ही आ गए थे उनको हो गई, हनुमान जी को 40 साल। अच्छा, गुरु जी का भी आए थे जी जी, हाँ तो अभी 20-25 वर्ष इस पार हो गया, मंदाकिनी में ज्यादा जला गया, अभी दो कुटिया पड़ी ऊपर। अच्छा, तो ले गई आधी मंदाकिनी आधी पड़ी। अच्छा, हाँ आधी पड़ी, अब कभी इस काल में धीरे धीरे बनी, धीरे धीरे जब हरी हरी की कृपा। अब देखिए ये भी अभी मंदाकिनी ज्यादा आ जाती है, हाँ ये भी यहाँ जला जाएगा, वही है। इसमें भी सतर्की से सोना रहता है, बारस में आपको 4 महीना पर्वतों का पानी रात में इकट्ठा हो गया, महाराज जी बहुत ऊपर तक आ जाता होगा, हाँ जल का कोई पता नहीं, अपन उसकी घर में है, बिल्कुल उसके घर में है, आपको 4 महीने सतर्की से सोने पड़ेगा, इससे ऊपर आ जाएगा जल आपका। अच्छा अच्छा, हाँ। तो अभी तक महाराज जी कहाँ तक आया है? अभी इसके बॉर्डर पे आ जाता है। अच्छा, इसकी सीमा नीचे मिट्टी का टीला, हाँ, है, यहाँ तक, हाँ, आ जाता है, जितने आश्रम में डूब जाए, हाँ कामतानाथ तक हो जाएगा पानी 10 फुट ऊंचे, यहाँ अगर जल आ जाएगा कामतानाथ के दरवाजे पे 10 फुट जल हो जाए, ऊपर पहुँच जाए, हाँ क्योंकि ये बहुत ऊँचाई, बहुत ऊँचाई है यहाँ पे, बहुत ऊँचाई, सीधा 100 फुट है, थोड़ी ऊपर चढ़ जाओ, ऊँचाई तो बहुत ज्यादा है, यहाँ 3 मंजिल तो यही है जहाँ अपन है, सही बात है, हाँ 3 मंजिल बनाओगे, जब 3 मंजिल बनेगा महाराज जी, यहाँ पर जंगली जानवर कोई? जंगली जानवर आते हैं यहाँ, अच्छा, हाँ हिरना, शेर, चीता, भालू, रीछ, अच्छा, सभी खेल करते, सब यहाँ पे आते हैं भी, तो भगवान देवता को एक हफ्ते रह कर देखे, अच्छा, तो पूरी लीला मिलेगी, अच्छा, जैसे कोई 1 दिन बाद आता, कोई 2 दिन बाद आता, आते हैं लेकिन, आते जरूर है, मगर 1 हफ्ते में रीच अवश्य आएगा। अच्छा अच्छा, एक बार बताने कि हम आए हैं, जी जी, ये उस आवाज करता वो, अच्छा अच्छा, आवाज करता, हम देखते हैं खड़े होके, अच्छा तो आपने कि जी निकल गया, हाँ कि जी निकल गया, ऐसा आम तरह से जल पिया ऐसा निकल जाएगा, वो वहाँ पठवा पे जल दिखाता यहाँ से अपने रात में तारागन से निकलते चला जाएगा, हो सकते है, यानी हमको आवाज करना हो, हाँ, तो हमने कह दिया कि जय श्री राम, अच्छा, तो इतना कर देते हम, हाँ, और लठिया हाथ में, हाँ, जय श्री राम 3 आवाज करेंगे, अच्छा, और फिर अंदर आ जाएंगे, अच्छा, कि हो सकता है जानवर है, हाँ, नकी जानवर वो खड़ा हो जाए जिद्दिया, सही है, तो इसके बाद हम 3 आवाज करके उससे फिर अंदर हो जाते, तो यहाँ सीमा से निकलता है, अवश्य निकलता, वो तो आता जरूर है, आता अवश्य, सेना भी जान जाती, अच्छा, हाँ पेड़े पे चढ़ी वाली सेना जब आता है ना, तो आवाज करने लगती कि बाबा जी कोई आ गया। अच्छा, बंदरों को पहले पता चल जाता, अब बिल्कुल वे ही बताते मेरे को, अगर बड़ा जानवर है और नरिया में, तो वो आवाज नहीं है खट्टी बनाते भी, तो हम कहेंगे इतनी बेरा बोलते नहीं जी, कैसे बोले रात में कैसे, हाँ तो वे बता देते कि यहाँ कोई क्षेत्र में बड़ा जानवर आ गया, उससे इशारा मिल जाता।
आ जाता है जानवर, अवश्य आता है, क्योंकि जंगल बहुत धंधा पीछू, जंगल तो पूरा जंगल बहुत धंधा पीछू, इसीलिए तो जी 30 साल से भी इससे कोई नहीं रोकता है हमारे सिवा। हम रोकेंगे कहीं बाहर जाएंगे तारों के बारों के पत्थर लगा के, कोई नहीं रोकता है, एक रात से दूसरी रात नहीं रोकता है। यहाँ कहाँ कोई रुक पाएगा भाई, इतना खतरनाक इलाका है, जंगली जानवरों का आतंक भाई। ये तो थोड़ी बहुत भजन करने पड़ेगा, जब उसके सहारे रहने पड़ेगा। सही बात, दो चार घंटे के लिए आपको चार चार दिन में सत्संगल मिल रहा हूँ तो रात्र में भजन करने पड़ेगा आपको चार घंटे, फिर आपकी हनुमान जी कोई सुनाई करेंगे। जी जी। नहीं तो यहाँ सहजूक नहीं पढ़ सकता आदमी, नहीं पढ़ सकता, क्योंकि यहाँ सर्प निकलता है शंकर जी के पीछे से कभी कभी। अच्छा अच्छा। हाँ यहाँ एक दिन दो महात्मा पड़े वो निकल आया, उसी दिन भी रात में भागने लगे। अच्छा। तो हमने कि बाहर पड़ रहा हो, बोली बाहर भी आ सकता है वो, तो हमने कि कहीं नहीं आएगा वो, जहाँ से निकला वही जाएगा। रामचरित मानस रखी, उनको गर्मी लगी, बादल है, निकल आए, दीवाले है पुरानी, तो भी यहाँ से घूम के वही चले गए, जहाँ से आए वहीं चले गए। फिर हमने उनसे बिना करीब बोले ना इनको स्वीकार करो जी, डरते किसी से बोलते नहीं ना महाराज। हाँ हमने कही भी डरते हम डरते जी, तो उनने बिना करी जी, तो बस 2 मिनट के बाद उसी जगह पे समा जी, जी। इस फोटो के पीछू महाकाल की इसके पीछू एक छोटा सा आकार में बिल्ला कर हाँ, तो वहीं से निकलते वहाँ से कभी बादल हवा से नगर बोलते नहीं है किसी, बोलते निकल हाँ। इतने लोग नहाते रहते हम पे, कोई जे नहीं कहता जय श्री राम, जब हम कहें तब कहें। अच्छा अच्छा। नहीं तो दारू खोर सहजो सभी नहाते रहते, सब तरह के लोग आते। हाँ इतनी बड़ी होली 1000 लोग नहाते रहे जी, जी। अगर हमने बुलाया तो आया, नहीं तो कोई नहीं बोलता है, भगवान की हनुमान जी की ऐसी कृपा। और हम इसीलिए कहते बस वही ऐसा कृपा रखना करेगा हाँ भगवान, मगर आप हमारी तरफ से आनंद ही करने जी, जी, जी। बाकी सुलझाने और संसार की लीला जी जी। ऐसे स्थिति में रहते हैं महाराज, यहाँ पर जंगली जानवरों का आना जाना लगा ही रहता है महाराज, अकेले रहते हैं। तो महाराज जी आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिएगा, की आशीर्वाद भगवान चंगा रहो दोनों जने, सदा रहो भगवान कामतानाथ खुश रखते रब्बा जी। तो ये दोस्तों बाहर से दिखाते हैं महाराज जी की कुटिया, देखिए इस तरह की कुटिया महाराज जो हाँ महाराज जी भगवान जी 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 छोटी सी महाराज जी की कुटिया है, देखिए दोस्तों ये देखिए महाराज जी। आ गया देख लो, 99 में आ जाए। देखो दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी, देखिए हमारे लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं और हम बिना बुलाए यहाँ पे आ गए हैं अचानक। महाराज जी का देखिए प्रसाद देखिए खा रहे हैं, सच्चाई का खेल है जी जी जी। अभी देखिए महाराज जी ने बताइए इतने घनघोर जंगल में ऐसे बनाए हैं और इसी कुटिया में रहते हैं, ऐसे आश्रम में रहते हैं, ये देखिए ऐसी गुफा है। अरे देखिए महाराज जी का टिक्कल है, महाराज जी का टिक्कल है, ये रोटियां देखिए महाराज जी ने बनाया है और ये सब्जी है, टिक्कल है टिक्कल देखिए। रायता लिया भैया एक एक में एक गिलास में रायता रखो महाराज जी के। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, सुनात गंगे इसमें डाल दीजिए। हाँ डाल दो, ये देखिए चकाचक दाल है महाराज जी की, बढ़िया देसी दाल है, भाग्यशाली हो भैया तुम, भाग्यशाली जी 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 महाराज जी से हमने बात की। महाराज जी देखे आप ये ऐसी गुफाओं में महाराज जी रहते हैं। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और महाराज जी से सत्संग करके अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक चित्रकूट की जानकारी पहुँच सके कि यहाँ पे साधु संत कैसे यहाँ पे रह के तपस्या करते हैं और कैसी स्थिति में रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और यहाँ पर देखिए आने के लिए रास्ता भी ठीक से नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए रहते हैं ऐसी छोटी सी गुफा बना के। तो दोस्तों अगर आप साधु संतों की कोई सहयोग करना चाहते हो तो हमारे माध्यम से कर सकते हैं।
हम वो महात्माओं तक पहुंचाने का एक माध्यम बन सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारा सहयोग करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। आप लोग हमारा वीडियो देखने हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। जय सिया राम।